स्लिप ऑफ टंग में कितनी मजे ले रही है, वाह भैया। स्लिप ऑफ टंग गाइस, स्लिप ऑफ टंग। और आपको बोला था कि कहाँ से पढ़ी हो। इग्नोर माय बॉल, उसको इसमें डाल कैसे भर देंगे। हेलो गाइस, ये गाइस वेलकम बैक टू विदीज गैलरी। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा यहाँ कि आप देख सकते हैं, ठंड बहुत बढ़ बहुत चुकी बढ़ है। चुकी है, इनको नहीं लगती है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लगती है। तो आज ठंड तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बेचारी डाइटिंग पे है, कुछ बाहर का चटपटा खाने को मिल नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसे अवॉइड कर रहे हैं बाहर आगे का। वेडिंग सीजन बहुत है और इन्हें तो पहनना है क्रॉप टॉप, तो लहंगे, तो साड़ी, तो इन्हें थोड़ा सा जरूरत है डाइटिंग की और एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज कर रही है, जैसे बाहर का नहीं खा रही, तो आज बेचारी का मन हो गया लिट्टी चोखा लिट्टी खाने चोखा का। बिहार का खाने का। तो भैया चलो आज उसी की तैयारी हो रही है, चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे लिट्टी चोखा बनाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वो उपले नहीं है अभी। देखिए वो आग वाला प्रॉपर जो आग वाला बनता है वो तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं गैस पे उसको उस टाइप से बनाने का। हाँ, थोड़ी बहुत फील दे दिया जाएगा, लुक तो चलिए आ अभी ही जाएगा। मिलते हैं हम लोग बनाते हुए। ये देखिए जी भाई साहब, ये है बिहार का श्री कमल सत्तू। तो अब अलग हो चुका है, दोनों भाई बंट चुके हैं, तो शुभ कमल सत्तू, यही सत्तू हमें अच्छा लगता है। और यहाँ का जो है हल्दीराम की भी अच्छी लगती है। और उधर ये बैंगन और टमाटर चिल्ला रहे हैं, धुल के रखे हुए हैं इनको उसको। कह रहे हैं हमारा बारी कब आएगा, हमारा बारी कब आएगा। आएगा तो आएगा कह रही है कि आएगा बेटा आएगा, तुझे भी आग पे मैं सेकूंगी। पर इसको चेक किया जाए कि इसके अंदर कीड़े तो नहीं हैं। यस, नहीं है अंदर। बैंगन बिल्कुल साफ है, चलो इसे चढ़ा दो दोनों गैस पे। तो इसको और टेस्टी बनाने के लिए बीच में लहसुन की कलियां रख दी गई है। वाह भैया, तो ज्यादा ही चटपटा नहीं खाने का मन कर रहा तुम्हें, इसमें बोलो। कौन सा तेल मसाला है, बस थोड़ी एक्सरसाइज सी घी मास्टर, तो रहेगी। फिर तो तुम्हारा 4 दिन का। ये देखो गाइस, बैंगन और टमाटर दोनों को रख दिया गया है इधर, इनका भी टर्न आ गया। ये गया जी इसमें प्याज और ये गई लहसुन की कटी कलियां। अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर और थोड़ी सी नमक आपके टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी काली नमक, काली काला देखो कितनी स्लिप ऑफ टंग में कितनी मजे ले रही है, वाह भैया। काला नमक और ये काली मिर्च। अगर अभी हम ये बोलते हम नमक पर नीमक तो मेरा मजाक उड़ा दिया जाता। और अपना जब हुआ ना तो सिर्फ चंग है, सिर्फ चंग। और आपको बोला था कि कहाँ से पढ़ी हो। मजा ले रही है। अब आए ना बराबरी में भिड़ो। तो अब हाइट बराबर करने के लिए ये लाया गया है। मेरा मुंडी ही काट देते हैं। ये ऐसी डिश है कि आप इसे अगर एक बार खाओगे तो इसे जिंदगी भर मांगोगे, ऐसे ही नहीं फेमस है बिहार का लिट्टी इसको पलट दिया चोखा। जाए। ये एक तरफ से तो ये एक तरफ से पक चुकी थी, तब इसको दूसरे साइड कर दिया जाए। मैं आ गया सरसों तेल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसका टेस्ट इन्हेंस करेगी, या तो आप नींबू यूज करो या फिर अचार का मसाला यूज करो। तो अभी तो वैसा अचार तो है नहीं जो हम लोग मम्मी लोग बनाती है, आम वाला, वो डालने पर ना गजब का टेस्ट आता है, अलग ही टेस्ट हो जाता है उसका। लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो तो ये नींबू से नींबू काम का अचार, चलाएंगे। नींबू से चाम चलाया जा रहा है। नींबू से चाम चलाया जाएगा। काम चलाया जा रहा है। ये देखो गाइस, बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा ये मटेरियल। देखो ये Awesome. पूरा मटेरियल डल के मिल चुका है इसमें। आप देखते हैं टेस्ट कैसा लग रहा है। Awesome. परफेक्ट खट्टा, परफेक्ट टेस्ट, मस्त।
जरूर घर पे ट्राई करो, मजा आ जाएगा। शानदार लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ना उसमें अब ब्लैक पेपर जरूर डालना, क्रश करके, बहुत अच्छा टेस्ट एनहांस करेगा। और काला नमक। अब तैयार हो रहा है आपका आटा, मढ़ा जा रहा है, उसमें डाला जा रहा है ये खाने वाली सोडा और हल्का रिफाइन ताकि ये सॉफ्ट रहे। तो ये देखो भाई साहब, आटा पूरी तरह से गूंद चुका है। अब बारी है इसमें फिलर्स की। ऐसा गाइस मुझे आता नहीं था, लेकिन होता ना, परिस्थिति आपको सिखा देता है। समय, परिस्थिति के समय की मांग। एक बार बस ये भर कर दिया तो फिर हम भरने ही नहीं आते हैं, तो फिर हम जैसे मन होता है वैसे भर देते हैं। इसका इससे क्या मतलब तात्पर्य निकला? जब कोई नहीं करता है तो इंसान वो काम सीख लेता है। या वैसे हमको बिल्कुल नहीं आता था, मम्मी वो कहती थी कि भरो भी कैसे, लेकिन पता नहीं अब आ गया है। लेकिन देखिए बोल नहीं होता, ऐसे रोटी ऐसा हो जाता है, और मम्मी लोग का कटोरी ऐसा रहता है, लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती ऐसे डाल के ऐसे से मोड़ मार के एक साथ कर देते हैं। सीखो हमसे कुछ, सीखो। इग्नोर माय बॉल, इसको इसमें डाल के ऐसे भर देंगे, इसको ऐसे दबा दबा के जैसे मम्मी बताती थी ऐसा सही जा रहे हो मेरी। और क्यों भर रही हो? देखो जैसे आपको भरना होगा भर लेना भाई साहब। ये तो देखिए हम जबरदस्ती इसको बंद करेंगे ऐसे। मैं भी दिखाता हूँ कैसे भरा जाता है। बंद नहीं होता तो जबरदस्ती में ऐसे करके बंद कर देंगे। बस हो गया भाई साहब, ऐसे क्या किया जाए, नहीं आता तो ये हो गया लिट्टी गोल गोल हमारा बिहार का। तो गाइस मुझे कहा गया है कि दो मैं भर के दिखाता हूँ, तो देखिए अभी ये भर रहे हैं। देखते हैं कि ये टैलेंटेड है या फिर मैं टैलेंटेड हूँ ज्यादा। भाई साहब मैं तो भर लिया, ऐसे भरी हूँ। देखिए पहले इसको ऐसे दबाते हैं अंदर की तरफ ऐसे। हाँ ये देखिए मम्मी लोग कटोरी बना देती थी, लेकिन हमसे कटोरी बनता ही नहीं। कटोरी बन गया, देखो कटोरी बन गया, अब इसमें भरा जा सकता है। ये देखो इसको ऐसे बनाना ही नहीं आता है। ये यही चीज सेम प्रोसेस में नहीं आता है, मैं उसको से प्लेट बना देती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस भाई साहब इसमें डालो सब को, दबा दो, दबा के डालिए, दबा के लाइक ठोकिए। बस इसको ऐसे करिए, भरूंगा अभी रोड रोलर की तरह ऐसे पिच कर दें और ऐसे ऐसे करके हल्के हाथों से दबाएं और इसे ऊपर की तरफ खींचे। मिला जुला के प्रोसेस दोनों का सेम ही है, लेकिन ये कि भाई प्रोसेस कर रहे हैं, हम जो जबरदस्ती टाइप का कर रहे हैं। या तो ये देखो हो चुका है बिल्कुल। जो होता है प्रॉपर ये होता है, वही चीज मुझे नहीं आता है। बस हो गया, ये लो तैयार। ये देखिए ये खुला हुआ है अभी। नहीं नहीं काटेंगे, देखिए कह रहे हैं काट देना, क्यों काटे अपना, बस अच्छा ही। तारीफ करते करते कुछ ज्यादा ही तारीफ के चक्कर में चले गए हैं। देखिए वैसे पुनतारिटी कौन करिए, जो कटेगा ना ये बोल रहे हैं काट देना इसको। इसी तरह से सारे आप भर ले इसमें, बस उसके बाद चलो बनाने का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो गाइस जो चोखा होता है उसके लिए ये आलू है, उधर बैंगन तो पक ही चुका था, उसको आप पील करके डालें, क्योंकि अगर कुछ लोग बिना पील कर ही डाल देते। तो ये देखो गाइस इन लिट्टियों को चढ़ा दिया गया है, जुगाड़ वाली है गैस पे। तो इसमें डाला जा रहा है प्याज और लहसुन चोखे में, इसमें डालो काली मिर्च का पाउडर, नमक और तेल, सरसों तेल अपने अनुसार, और नींबू गाइस अगर आपको पसंद हो तो। सो यू शुड नॉट हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो एक बार में चार या पांच काम नहीं करें, उसका नतीजा आपको भुगतने को मिल सकता है, जैसा कि इन मोहतरमा ने भुगता है। ये देखो
क्या हालत कर दी, इधर ये भी चढ़ा लिया था और उधर चोखा भी बना रही थी, तो चोखा तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब तो गैस को बुझा दिया और लिट्टियों का कत्ल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सही है। अभी अब सिंगल सिंगल करके बनाएगी तो सही हो जाएगा। तो चलो अपना टैलेंट दिखाओ। नहीं बन पाएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा, आज बहुत ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे बनाओ ना। तो प्लान में चेंज हो गया गाइज, ये चीज तो मैंने पहले ही कहा था कि आग की है, कोयले की है या फिर उपले की है। ये ना चीज जलने लग रहा है, जलने लग रहा है, बाहर से जल जा रहा है। ये देखिए बाहर से तो जल चुका है, अंदर कुछ नहीं हुआ। तो प्लान में चेंज है, वो अब सासू माँ आएंगी तब बना के खिलाएंगी। अब बनेगा इसको फ्राई कर दिया जाता है। अब इसे फ्राई कर दिया जाता है। ये देखो गाइस फाइनली तला हुआ लिट्टी और ये चोखा। तो वैसे तो अच्छी ही लगेगी मुझे मालूम है। सो गाइस हमने प्लान कुछ किया था, उसे सिका हुआ बनाएंगे लेकिन वो बन नहीं पाया, तो तला हुआ ऐसे ही, तो ये लिट्टी और चोखा मस्त है, परफेक्ट। बताइए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।